स्नेक प्लांट जितने फायदेमंद होते हैं उतने ही आकर्षक भी होते हैं और इनकी देखभाल करना बहुत ही आसान होता है और ये कई वैरायटी में मिलते हैं। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि इन्हें आप घर के बाहर भी लगा सकते हैं और आप इन्हें घर के अंदर भी लगा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर शैल सिंह है और मेरे गो ग्रीन लाइफस्टाइल चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और कमेंट करना कभी मत भूलिए और बेल आइकन को प्लीज दबा दीजिए। उससे जब भी मेरा न्यू वीडियो आएगा आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और इससे करने से हमें भी एक प्रोत्साहन मिलता है। चलिए, आज का टॉपिक है हमारे पौधों से रिलेटेड, हमारी गार्डनिंग से रिलेटेड। आज हम बात करेंगे स्नेक प्लांट की और उसकी देखभाल की, उसे कैसे देखभाल करना है, कैसे अपने गार्डन में शामिल करना है। स्नेक प्लांट सेंसिवेरा जीनस में बिलोंग करता है, मैं बता दूं आपको, और इसे हिंदी में सांप का पौधा या सांस की जीभ भी कहा जाता है। इसकी जो पत्तियां होती है वह तलवार की तरह दिखती है, इसीलिए इसे कई बार माना जाता है कि आर्टिफिशियल प्लांट की तरह दिखता है। और सबसे अच्छी खास बात है कि कई वैरायटी में उपलब्ध है और इसकी पत्तियां हरी पीली पट्टी के कॉम्बिनेशन में बहुत ज्यादा मिलती हैं। और मेरे घर में भी 4 से 5 तरह के स्नेक प्लांट हैं और बहुत ही अच्छा पौधा होता है। नासा में ये पाया गया है कि कई तरह के रिसर्च में कि ये एक ऐसा पौधा है जो बाहर की हवा को तो शुद्ध करता है और घर के अंदर भी हवा को शुद्ध करता है। बहुत सारे जो टॉक्सिकेंट होते हैं, जो पॉलिटेंट्स होते हैं, उसको ये रिमूव करता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा नेचुरल एयर फिल्टर है। चलिए अब जानते हैं इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में कि क्या क्या खास बात है इसके अंदर। सबसे बड़ी खास बात है कि ये एक बहुत ही ऐसा पौधा है जिसे आप हर कंडीशन में रख सकते हैं। चाहे आप इसे बहुत गर्मी में रखिए, चाहे आप इसे बहुत ठंडी में रखिए, चाहे आप इसे बहुत बारिश में रखिए और किसी भी कंडीशन में रखिए, ये हर कंडीशन में रहने वाला पौधा है जो इसे खास बनाता है और लोगों की मनपसंद बन जाता है। दूसरी सबसे खास बात है हवा का शुद्धिकरण। सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप इस पौधे को वास्तु के हिसाब से भी रख सकते हैं। आप इसे अपने ड्राइंग रूम में रख सकते हैं, आप इसे अपने बेडरूम में भी रख सकते हैं। बेडरूम में भी जो आपकी हवा है इसको शुद्ध करने का काम करता है, तो आप इसे घर के किसी कोने में सजा के रख सकते हैं। तीसरा सबसे अच्छी बात ये है कि बहुत ही कम मेंटेनेंस वाला पौधा है। इसमें पानी आपको हफ्ते में 1 बार या 2 बार ही डालना होता है, वो भी आपको इसकी मिट्टी को चेक करके पानी डालना है। कम से कम 2 या 3 इंच अगर इसकी मिट्टी सूख जाती है तभी आप इसकी इसमें पानी डालें। ओवर वाटरिंग बिल्कुल हमें नहीं करनी है। और चौथी सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसे धूप में भी रख सकते हैं, तो कम से कम अगर ये 8 घंटे की धूप में भी रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आप इसे 8 घंटे की छांव भी देते हैं तब भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सोचिए कितना अच्छा पौधा है, इसे हम हर कंडीशन में रख सकते हैं, हर तरह की मिट्टी के कॉम्पोजिशन में भी इसे हम लगा सकते हैं। वास्तु के अनुसार हमारा स्नेक प्लांट धन समृद्धि और सुख शांति लाने वाला पौधा है और इसे लोग सजावट के लिए भी उपयोग करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये आंखों को प्रसन्नता देने वाला पौधा है। आइए आगे वीडियो में जानते हैं कि इसके कितने प्रकार होते हैं, कितने कितने टाइप का ये मिलता है और इसकी क्या मेंटेनेंस है, इसके पॉट मिक्सचर को कैसे बनाना चाहिए और कैसे हम इसे अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं, आइए देखते हैं। स्नेक प्लांट को घर में लगाने के लिए सबसे जरूरी है कि एक आइडियल सॉइल मिक्सचर हो और वह जो सॉइल मिक्सचर बनेगा वो वेल ड्रेनिंग हो, एयरी हो, न्यूट्रिशियस हो और वह परफेक्ट मिक्सचर हो सैंड, परलाइट, पीट मॉस एंड ऑर्गेनिक मैटर का। सैंड और परलाइट का काम होता है कि वो ड्रेनेज और एरेशन को मेंटेन करे। पीट मॉस या जो कोकोनट कॉइड्स होते हैं वह
जो मॉइस्चर है उसको रिटेन करने का काम करते हैं और वाटर लॉगिंग होने नहीं देते हैं पॉट में आपके। ऑर्गेनिक मैटर कोई भी आप ले सकते हैं, या कंपोस्ट या एज मैन्योर या काऊ डंग, कुछ भी आप ले सकते हैं, वह न्यूट्रिएंट्स को ऐड करता है। और पॉटिंग सॉइल वह डिपेंड करता है कि आपके यहाँ कैसा सॉइल अवेलेबल है, उस सॉइल को आप ले सकते हैं। यूजुअली ऐसा किया जाता है कि दो पार्ट आप सैंड और परलाइट लीजिए और वन पार्ट पीस पीट मॉस या कोकोनट कॉइल भी ले सकते हैं और एक पार्ट आप पॉटिंग सॉइल को ले सकते हैं। और जो कंपोस्ट आप डालेंगे वह आप इतना डालिए कि उसको मिलाने के बाद आपका एक 100% कॉम्पोजिशन बन जाए। देखिए इसमें अगर 10-20 आगे पर पीछे हो जाता है तो ऐसा कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। इम्पॉर्टेंट ये होता है जब हम अपनी मिट्टी के कॉम्पोजिशन को हाथ में उठाएं तो वो प्रॉपरली फर्र से गिरनी चाहिए। अगर आपकी मिट्टी आपकी मुट्ठी में खोलने से बहुत प्रॉपरली अच्छे से गिर रही है, चिपक नहीं रही है आपके हाथ में, तो समझ लीजिए उसका ड्रेनेज अच्छा ही होगा। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए हमें एक परफेक्ट मिक्सचर सॉइल बनाना जरूरी है। गुड एयर फ्लो बहुत जरूरी है स्नेक प्लांट का, मैं बता दूं ये इतना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो होगा क्या कि आपका जो प्लांट है वो वह उसकी जो रूट्स हैं वो सड़ने लगेंगे। तो इसीलिए जरूरी है कि हमारा एरेशन बहुत अच्छा हो, ड्रेनेज अच्छा हो और उसका पीएच भी बैलेंस हो। तो जो मिट्टी बनानी है हमें इसी तरह से बना के हमें पॉट में। स्नेक प्लांट के कई प्रकार होते हैं जैसे कि बर्ड नेस्ट, सिलेंड्रल शेप, सेंसिवेरा लॉरेंटी, ट्विस्टेड सिस्टर, व्हाइट स्नेक प्लांट और राइनो ग्लास और सेंसिवेरा डेजर्ट। ऐसे ही और भी बहुत सारी वैरायटी मिलती हैं। मेरे घर में भी 4-5 वैरायटी हैं जैसा कि आप मेरे वीडियोज में देख सकते हैं। एयर प्यूरीफायर का भी काम करता है जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ। यह इंडोर का पौधा भी है और आउटडोर का भी पौधा है। यह पौधा रात में CO2 को ऑक्सीजन में बदल सकता है। बेडरूम में हम सजाने के लिए इसका यह बहुत ही अच्छा विकल्प है। खतरनाक प्रदूषकों को खत्म करता है स्नेक प्लांट, मैं बता दूँ आपको, जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड, जाइलीन, बेंजीन, ट्राइक्लोरो थीलिन और टॉलिन को अवशोषित करता है। जहरीले रसायनों को अवशोषित करने और खत्म करने की उनकी क्षमता के कारण स्नेक प्लांट एलर्जी से पर्याप्त सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य को भी ठीक रखता है। ये कम देखभाल का पौधा है और कई बार तो कम रोशनी जहां है वहां भी ये आराम से लगाए जा सकते हैं। एंटी एलर्जी के भी इसमें बहुत गुण होते हैं, फेंगशुई लाभ भी होते हैं। कहते हैं ये नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने वाला भी पौधा है। तो सोचिए कितना अच्छा पौधा है। इसे लगाने के लिए सबसे आसान तरीका है कि एक्चुअली होता क्या है, जब ये पौधा किसी भी गमले में बहुत ओवर ऑक्यूपाइड हो जाता है तो इसकी जो स्टेम्स होती हैं वो किनारे से गमले को तोड़कर की तरफ बाहर निकल जाती हैं। तो आप इसकी जो एक्स्ट्रा बड्स निकल रही हैं आप उसको काट कर भी लगा सकते हैं, और या तो फिर आप जो भी इसकी आप गमले से सारा जितने भी बड्स हैं उन सबको निकाल लीजिए, उनके स्टेम्स को, और उसकी उसको जो है सीग्रीगेट कर दीजिए। सीग्रीगेट करने के बाद आपके कई पौधे तैयार हो जाएंगे। जैसे मैंने ये पौधा उसी को काट के तैयार कर लिया। दूसरा तरीका ये है कि आप प्रोपेगेशन इसकी लीव्स को छोटा छोटा काट के आप मिट्टी में दबा दीजिए या पानी में रख दीजिए, तब भी इसकी जो रूट्स होती हैं वह डेवलप हो जाती है। देखिए मैंने इस एक लीव को इसमें से काटा है और अब इसको मैं छोटे छोटे टुकड़े करके इसको लगाऊंगी। कुछ दिनों के बाद आप देखिएगा इसमें रूट्स डेवलप हो जाएंगी। इसी तरह से आप पानी में भी इसका प्रोपेगेशन कर सकते हैं। तो ये बहुत आराम से प्रोपेगेट भी हो जाते हैं और यह हर कंडीशन में इन्हें हम रख भी सकते हैं। मैंने बहुत सारे पौधे धूप में भी रखे। ये एक बार आप लगा दीजिए अपने गार्डन में तो ये सूखता भी नहीं है और आप इसे घर में कहीं भी सजा सकते हैं। तो सोचिए कितना आसान है इसे लगाना और इसकी देखभाल करना। इसे आप ठंड में छोड़कर किसी भी मौसम में लगा सकते हैं। ये आराम से किसी भी मौसम में लग जाता है, बस ठंड में इसकी ग्रोथ थोड़ा सा कम होती है। तो जब भी आप प्रोपेगेशन करें तो आप कोशिश करें कि हमारा जो मौसम है या तो वो हल्का सा
या फिर ठंडियाँ जब खत्म हो रही हो तब भी आप इसे लगा सकते हैं, बट बहुत ठंड में आप इसे मत लगाइए। मेरे घर में दो तीन वैरायटी हैं, एक तो सेंस प्यारा बॉन्सल है जिसे स्नेक प्लांट बॉन्सल भी कहा जाता है। ये पाइप की तरह है, इसकी जो लीव्स होती हैं पाइप की तरह होती हैं। और जो मेरे पास दूसरी वैरायटी है वो गोल्डन स्नेक प्लांट है जिसे सेंस वियारा लॉरेंटी भी कहा जाता है। ये भी एक बहुत कॉमन प्लांट है जिसका मैं प्रोपेगेट। और तीसरा जो है वो नॉर्मल स्नेक प्लांट है जो सभी के घर में होता है। तो इसी तरह से आप इसे प्रोपेगेट करके आप लगा सकते हैं। अपने घरों में और अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। वीडियो तो आपने देख ही लिया होगा और आप समझ गए होंगे कि कितना अच्छा पौधा है ये, जिसे कम मेहनत में कम मेंटेनेंस में आप इंडोर आउटडोर दोनों में रख सकते हैं। मगर मैं एक चीज आपको बता दूं, कुछ पौधे इसके जो होते हैं जिनकी पत्तियां छोटी होती हैं और वह शेप में भी छोटे होते हैं, इसे आप आउटडोर में कोशिश करें बहुत धूप में ना रखें। बहुत धूप में रखने से ये पौधे खराब भी हो जाते हैं। तो आप इसे अपने इंडोर आउटडोर दोनों गार्डन में शामिल करिए, क्योंकि आप लोगों ने देख ही लिया इसे लगाना भी कितना आसान है। इसे आप कटिंग से भी लगा सकते हैं, आप इसकी प्रोपेगेशन पानी में भी कर सकते हैं, हर तरह से कर सकते हैं। वैसे सबसे अच्छा जो तरीका मुझे लगा कि जब ये आपका जब इसके एक्स्ट्रा जो बर्ड्स होती हैं इसकी जब निकल जाती हैं गमले को तोड़कर, तो मुझे लगता है सबसे अच्छा तरीका वही होता है जहाँ से इसने अपने अपने गमले को तोड़ा है, आप वहीं से उसको तोड़कर अपने दूसरे पॉट में शिफ्ट कर लीजिए। मैं अक्सर ये मेरे पॉट्स को तोड़ता रहता है, जब ये ओवर ऑक्यूपाइड हो जाता है गमले में तो मैं उसे निकाल निकाल के शिफ्ट करती रहती हूँ। और आप कैसे भी इसे प्रोपोगेट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने वीडियो में दिखाया कि कई तरह से प्रोपोगेट होता है, इसे प्रोपोगेट करना भी आसान होता है। तो इसी तरह से आप लोग भी इसे अपने यहाँ प्रोपोगेट कीजिए, लगाइए अपने गार्डन में घर में सजाइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और कमेंट करते रहिए। धन्यवाद।